वेलकम बैक टू अवर न्यू रेसिपी। आज हम फटाफट से मेवे, गुड़, हल्दी और सरसों के तेल वाला लड्डू बना लेते हैं, जो कि विंटर के लिए बहुत ही फायदेमंद है और बच्चों के लिए और खासकर बूढ़ों के लिए और जो न्यूली मदर होती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद ये लड्डू। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो गुड़ और सभी मेवे मैंने एक एक छोटी कटोरी लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, एक छोटी कटोरी मखाना है, एक बड़ी कटोरी सरसों का तेल, एक छोटी कटोरी देसी घी, 2 चम्मच हल्दी पाउडर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस मेवे को हमें कट नहीं करना है उसे हम अलग से कटोरी में निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 बियां निकाल लिया है, उसके बाद यहाँ से गोंद निकाल लिया है और ये किशमिश भी हम इसको अलग कर देंगे। उसके बाद जिन जिन मेवों को हमें कट करना है उसे हम पतला पतला सा कट कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बादाम लिया है, उसे इस तरह से पतला पतला कट कर दिया। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चारकोर भी काट सकते हैं। बादाम कट हो चुकी है, उसी कटोरी में हम काटेंगे काजू। काजू भी हमारा एक छोटी कटोरी था, इसे भी इस तरह से पतला पतला सा काट लेंगे। काजू बादाम को एक तरफ रख दिया मैंने। दूसरी कटोरी में मैंने यहाँ पे छुहारा लिया है, छुहारा मैंने थोड़ा कम लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा लीजिएगा। मैंने 4-5 ही छुहारा लिया है, तो मुझे उतना पसंद नहीं है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा। तो छुहारे को मैंने अलग से दूसरी कटोरी में रख दिया है। फ्राई करने के हिसाब से मैंने अलग अलग कटोरी में सभी मेवे को रखा है। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे एक टुकड़ा गरी ली है, जिसे खोपरा भी बोलते हैं, उसे भी हम इस तरह से पतला पतला पहले स्लाइस करेंगे, फिर इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। देखिए, एक टुकड़ा मेरा चला गया हल्दी पाउडर में, निकाल लेंगे उसे। सभी गरी को मैं इसी तरह से कट कर लूँगी। इसे नारियल बोलते हैं, गरी बोलते हैं, खोपरा बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने जो गुड़ लिया था ना उसे इस तरह से हमें चूरा चूरा कर लेना है। मेरा 1 किलो गुड़ है, अगर आपको थोड़ा मीठा कम पसंद है तो आप गुड़ को कम करके थोड़ा यहाँ पे भुना आटा यूज़ कर सकते हैं गेहूं का, लेकिन मैंने यहाँ आटा यूज़ नहीं किया है। इस तरह से चकले और बेलन की हेल्प से हम इस तरह से पीट लेना है, चूर कर लेना है, यानी कि अपने गुड़ को अच्छे से हमें चूर कर लेना है, ताकि अच्छे से ये हमारे मेवे के मिक्सचर में अच्छे से ये मिल सके। तो मैंने पूरे गुड़ को इस तरह से चकले और बेलन की हेल्प से कूट लिया है। अब इसे हाथों से अच्छे से मसल मसल के इसको बारीक कर लेंगे, ताकि हमारा गुड़ का जो है कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रह जाए, वरना खाने में एकदम से गुड़ आ जाएगा। इसे एक बड़े बर्तन में रख देंगे। उसके बाद हम सभी मेवे को फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने 1 बड़ी कटोरी मखाना लिया है, इसे हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे और थोड़ा देसी घी भी डाल देंगे। मैंने सभी मेवे की अलग अलग क्वांटिटी ली है, लगभग 1 बड़ी कटोरी मेरे पास ये मखाना है, बाकी सभी मेवे हमारी 1-1 छोटी कटोरी है। मखाना थोड़ा ज़्यादा बड़ा लगता है, स्पेस लेता है, इसीलिए इसको बड़ी कटोरी में रखना पड़ा, वरना वजन में देखे तो ये बाकी मेवे से भी कम है। तो ये 1 बड़ी कटोरी मैंने मखाना लिया है, जिसे एक मुट्ठी भी आप बोल सकते हैं, 1 हैंडफुल। इसे हल्का घी डाल के मैंने रोस्ट कर दिया, जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसे निकाल लेंगे और फिर उसी पैन में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और मैंने 1 छोटी कटोरी यहाँ गोंद ले लिया है, इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल मखाना की तरह फूल जाएगा। देखिए, अगर आप बड़ा लेंगे तो ये मखाना की तरह होगा, लेकिन मैंने छोटा लिया है तो ये बिल्कुल साबूदाने की तरह देखिए फूल के इस तरह से पफ हो जाएगा। इसे भी अच्छे से फ्राई करके हम निकाल लेंगे। देखिए, अच्छे से मेरा फ्राई हो चुका है, सभी अच्छे से चला के हमें ध्यान रखना है कि सभी गोंद हमारी फूल जाए, कच्ची कोई भी ना रहे, वरना दाल में बहुत ज़्यादा चिपकेंगी। इसे भी मैंने निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा देसी घी डाला है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे छुहारे को। छुहारे को भी चलाते हुए हल्की आँच पे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो सभी मेवे को सरसों के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं थोड़ा टेस्ट के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आप सरसों के तेल में भी कर सकते हैं। अगर आप सरसों के तेल में करेंगे तो बस आप ऊपर से थोड़ा सा देसी घी मिक्स करते वक्त डाल दीजिएगा, तब भी अच्छा सा टेस्ट आएगा। छुहारा और नारियल को भी मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। बचा हुआ जो घी था हमारा, उसमें हम किशमिश डालेंगे। किशमिश को एकदम फटाफट से हम फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे, जब क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती है, और अगर इसे हम फटाफट नहीं निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और बहुत जल्दी ये जल जाती है। देखिए, हमारी किशमिश फूलने लगी, इसे फटाफट से निकाल लेंगे। उसके बाद हम पैन में घी डालेंगे। उसके बाद इसमें कटा हुआ काजू और बादाम डाल देंगे, इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। जब हल्का फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम हमारी जो 5 मगज़ यानी 5 बियां हैं उसे डाल देंगे। और उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे पॉपी सीड यानी कि पोस्ते का दाना भी डाल देंगे।
इसे हल्का सा भुनेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने सभी मेवे को फ्राई करने के बाद उसके घी जो था एक छन्नी में निकाल के उसी के बार बार यूज़ किया है। आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो मखाना है और जो हमारा गोंद है, पफ है, ये सब अच्छे से फ्राई किया हुआ है, इसे इस तरह से हमें क्रश कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका क्रंच आता है तो अच्छा लगता है। तो इस तरह से मैंने दाल घोटनी की मदद से इस तरह से क्रश कर लिया है, पूरे मखाने को क्रश करेंगे। अगर आपको पसंद हो तो आप मतलब कि गोंद को आप थोड़ा पीस भी सकते हैं। सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म करेंगे, उसके बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा इसमें हल्दी डाल के इस तरह से इसमें मिला देंगे मिक्सचर में। मैंने वो क्लिप शूट करना भूल गई हूँ, तो हल्दी मैंने जो गरम किया था उसके बाद इसका हाथों से इस तरह से लड्डू बना देंगे। गरम 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 होगा तभी लड्डू हमारा अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हाथों से दबा दबा के हमें लड्डू बना के रेडी कर लेना है। तो देखिए हमारा फटाफट से बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही यमी सा ये गोंद, गुड़, सरसों और हल्दी का लड्डू बन के रेडी हो चुका। अगर आप चाहें तो इसमें सोड भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप न्यूली मदर के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें जब तेल गर्म करेंगे तो उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा कितना टेस्टी सा, कितना यमी सा, कितना ब्यूटीफुल सा लड्डू बन के रेडी हो चुका है। आप भी इसे बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत टेस्टी बनता है। बूढ़ों को खिलाइए, न्यूली मदर को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, जवान खाइए, सभी लोग खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार बना के खाइए और कैसा बना आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्सअप दें।